नमस्कार, आइए सुनते हैं साधकों के नाम पत्र नामक पुस्तक से स्वामी तुरियानंद जी द्वारा लिखा गया एक प्रेरणादायी पत्र, जिस पर चिंतन व मनन करके हम निश्चय ही अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। यह पत्र उत्तर प्रदेश के गढ़ मुक्तेश्वर नामक स्थान से लिखा गया है। महाराज लिख रहे हैं, श्री हरि शरणम। प्रिय, कल तुम्हारा विस्तृत पत्र पाकर समाचारों से अवगत हुआ। पहले भी अमुक से तुम्हारे बारे में थोड़ा बहुत मालूम हुआ था। तुम लोग प्रभु की कृपा से काशी धाम में सकुशल रहकर यथा साध्य साधन भजन कर रहे हो, यह जानकर मैं आनंदित हूँ। तुम्हें श्री श्री माँ शारदा देवी की कृपा प्राप्त हुई है, अतः भय कैसा? अब आनंद पूर्वक भगवान में आत्मसमर्पण कर निश्चिंत रहो। बंधन आदि बाहर नहीं है, सब कुछ भीतर ही है। अपने मन के बंधन भ्रांतिवश बाहर दिखाई देते हैं। पुण्य कर्मों के फल तथा भगवत कृपा से मन जब निर्मल होता है तो यह बात स्पष्ट रूप से समझ में आ जाती है। परंतु समझ में आ जाए तो भी बंधन मुक्त होना इतना आसान नहीं है। गुरु कृपा और निष्ठा पूर्वक प्रयत्न करने पर ही बंधन से मुक्ति होती है। अस्तु, तुम लोग निसंदेह भाग्यशाली हो। संसार की अनित्यता को समझकर तुम लोगों ने जो सर्वस्व त्याग दिया है, यही तुम्हारे सौभाग्य का परिचायक है। इस पर तुम्हें श्री श्री माँ का आश्रय मिला है, अतः इसमें संदेह नहीं कि तुम लोग महाभाग्यवान हो। तुम्हारा तीर्थ भ्रमण तथा निर्जन में रहकर साधना करने का संकल्प अति उत्तम है। फिर तुम्हें श्री माँ की अनुमति भी मिली है। स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखने का उनका निर्देश कभी मत भूलना। प्रभु को हृदय में लेकर चाहे जहां जाओ, कोई भय नहीं। सभी देश उन्हीं के हैं। क्या ऐसा भी कोई देश है जहां वे न हो? अतः चिंता की कोई बात नहीं। बिना कष्ट तुम अपनी इच्छा अनुसार तीर्थ भ्रमण और निर्जन वास करते हुए साधन भजन की आकांक्षा पूरी कर सकते हो। इसमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती। परंतु कर्म में आबद्ध होने की जो बात तुमने लिखी है, मेरी समझ में वैसे भय का कोई कारण नहीं है। कर्म तो करना ही होगा, अन्यथा चित्त शुद्धि कैसे होगी? कर्म क्षेत्र में ही तो अपनी परीक्षा होगी। मन में फल की कितनी आशा है और कितना निष्काम हुआ हूं? स्वार्थपरता कितनी है और कितनी कम हुई है? यह सब जानने का एकमात्र उपाय है कर्म। जब हृदय में प्रेम का संचार होगा तो कर्म में कर्म बोध नहीं रहेगा। कर्म तब पूजा का रूप ले लेगा। यही सच्ची भक्ति है। प्रारंभ में कर्म और साधन भजन दोनों ही करना होगा, पर हाँ, लक्ष्य को स्थिर बनाए रखकर बाद में प्रभु की कृपा से ऐसा समय भी आएगा जब साधन भजन और कर्म में भेद बुद्धि का लोप हो जाएगा। तब सब कुछ साधना हो जाएगा। कर्म और साधन भजन में कोई अंतर नहीं प्रतीत होगा, क्योंकि प्रभु तो सब में ओतप्रोत हैं। जो भी हो, उन्हें हृदय में रखकर जैसी दृढ़ इच्छा हो वैसा करना, क्योंकि मठ में रहकर निष्काम कर्म अथवा तीर्थ आदि निर्जन में रहकर साधन भजन, इनमें कोई भी कम ज्यादा नहीं है। दोनों ही उत्तम है। अपने आप को दुर्बल न समझना। स्वयं दुर्बल होने पर भी तुमने जिनकी शरण ली है, वे सर्वशक्तिमान हैं। अतः अपने को उनका मानकर बलवान समझना। उनके अतिरिक्त अन्य कोई भी अपना नहीं है। यह धारणा दृढ़ होने पर हृदय में महाबल का संचार होगा। प्रभु के श्री पाद पद्मों में तुम लोगों की भक्ति, अनुराग और श्रद्धा
उत्तरोत्तर वर्धित हो, तुम लोग उनमें बिल्कुल मग्न हो जाओ और अपना नर जन्म धारण सार्थक करो, यही मेरी प्रार्थना है। और अधिक क्या लिखूं? तुरियानंद। आशा है इस पत्र से हम कुछ ना कुछ प्रेरणा अवश्य पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी की मंगल कामना के साथ नमस्कार।